বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তোজো করো ভাই, ভাই মৌসালিয়া, ঠিক আছে। আমি কোন সি টুল বলকে ইয়ে পেলে তা শেপ টুল, শেপ টুল, শেপ টুল, শেপ টুল কে কাম করতি হে স্যার? ও স্যার শেপ টুল বহুত পেলা বড় ডিজাইন বানাতি হে, কোই ভি আগে ডিজাইন ইসসে কিয়া কর সকতে। ঠিক আছে, ये किसकी बेस पे काम करती है? नोट्स के बेस पे, ठीक है, नोट्स के। ठीक है सर, एक बुक बना सर, इसको छोड़ F10 है ना ये सर, थोड़ी देर कंट्रोल जी किया मैंने इसको सर, दो तीन मिनट एक बुक बना, टूल ही पढ़ लेंगे थोड़ी सी। ठीक है, शेप टूल से आगे कौन सी टूल है? नाइफ टूल। नाइफ किसे कहते हैं? छुरी को। छुरी को, जबरदस्त। किसी भी ऑब्जेक्ट जो हमने ड्रॉ किया है उसके हमने काटना हो, उसके दो ऑब्जेक्टों में, एक ऑब्जेक्ट को दो ऑब्जेक्ट में तकसीम करना हो, तो कौन सी टूल इस्तेमाल करेंगे हम? नाइफ टूल। नाइफ टूल आपके सामने है, देखिए नाइफ टूल मैंने ली, लेने के बाद ये देखें इसका जो नाइफ जो मतलब इसका सैंपल है छोटा सा बना हुआ है ना, जब इस सैंपल को मैं इस लाइन के करीब लेके जाऊंगा तो इसकी पोजिशन चेंज हो जाती है। ठीक है, वो बताती है कि इस वक्त मैं अब काम करने के मूड में हूँ। ठीक है, मैं इसको पास लेके जाता हूँ, लेने के बाद देखना ये इसकी पोजीशन चेंज हो गई, उस पर छोटा सा एक नोड बन गया एच के नाम से। ठीक है, उस पर क्लिक करूँगा, इसके दो तरीके हैं इस्तेमाल करने के, एक तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, करने के बाद छोड़ दूँ और उस पर कुछ ना करूँ, और यहाँ पे मैंने जिस एज पे जाके इसको ख़त्म करना है वहाँ जाके क्लिक कर दूँ। ठीक है, मैंने क्लिक किया, अभी देखें दो जब तकसीम हो चुके हैं, ये देखें। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि अगर इसको मैं क्लिक करने के बाद छोड़ूँ ना, खुद से मैं यूँ करता जाऊँ, मैं कोई स्टाइल जो होता है ये वो बना दूँ तो भी बन जाएगा। ठीक है, ज़बरदस्त। यस सर। ठीक है, इसी तरह कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? टूल को समझना है, ठीक है, जिस तरीके से समझ, हंसी से समझो, मजाक से समझो, टूल को समझना है। हमारा काम है काम करना है बस, हमें नहीं पता कौन उस्ताद है कौन शागिर्द है। ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है, ये देखें कोई भी टूल, आप जो नक्शा होता है, जो देखा है नक्शा आपने, क्या कहते हैं उसको, मैप, पाकिस्तान का मैप, वो भी इससे इस तरह क्रिएट कर सकते हैं आप, इस तरह करके, मतलब बहुत मेहनत होगी, कितनी मेहनत होगी उसमें कर लेना, ये देखें। ठीक है ना, ये पाकिस्तान जी हो रही, नाइफ टूल समझ में आ गई, बस इसका पर्पज यही है। ठीक है, इसमें भी कोई डिजाइन बना के देखना है, इसमें कोई भी टूल कुछ खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक टूल से ही नहीं बनाते जाना, सिर्फ आपको शेप टूल पता चल गई, उससे बहुत सारे डिजाइन बनेंगे, आप वही यूज करते रहे और किसी को यूज ही ना करें। ठीक है, उसके बाद है नाइफ टूल के बाद है अरेजर टूल। अरेजर टूल पढ़ी थी आपने MS पेंट में? यस सर। क्या काम करती थी? मिटाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई भी चीज खत्म करनी हो, रिमूव करनी हो तो ठीक है, ठीक है। ये मैंने इसके भी तरीके, दो तरीके इस्तेमाल करने के हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, करने के बाद छोड़ दिया, मतलब यहाँ पे क्लिक किया छोड़ दिया। ठीक है, देख लाइन नजर आ रही है, वो लाइन बता रही है ये हमारे यहाँ यहाँ से मूव होगा, यहाँ से मैं यहाँ पे लेके छोड़ दिया। देखें आप पहले आपने देख चुके हैं टूल, जो नाइफ टूल पड़ी थी वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे मैंने अप्लाई की, करने के बाद उसने एक ऑब्जेक्ट के दो ऑब्जेक्ट बना दिए। यहाँ पे भी आपको यही महसूस हो रहा होगा कि ये इसके दो ऑब्जेक्ट बन चुके, नहीं बल्कि ये सारा एक ही ऑब्जेक्ट। मैं देखें आपको किसी के अंदर कलर फील करता हूँ तो दोनों में अप्लाई होगा। ठीक है, ये भी डिजाइन में यूज होगा। ठीक है, हम करके देखेंगे इसको। ठीक है, ये दो चीजें नहीं है, ये सारा एक ऑब्जेक्ट है, सिर्फ वहां से इसने रिमूव कर दिया है कलर को, जो इनन को, स्टाइल को, सारी चीज को, मतलब बॉर्डर को, लेकिन वो चीज अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, वो दूसरा तरीका है इसको पकड़ के रखने के बाद। जी, प्रोजेक्ट एक ही रहेगा। हाँ, प्रोजेक्ट एक ही रहेगा। ठीक है, इसमें और उसमें यही फर्क है। ठीक है, नाइफ टूल और रेजर टूल में। ठीक है, ये भी समझ में आ गई? यस सर। जबरदस्त, इसके बहुत सारे स्टाइल बन जाते हैं। एक हमें असाइनमेंट मिली थी, उसमें कुछ स्टाइल, ये देखें इसके बड़ा भी कर सकते हैं इसको यहाँ से। ठीक है, ये 5 पॉइंट है, मैं 9 कर देता हूँ, करने के बाद थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है जी, हाँ छोटा भी हो सकता है, 2 कर देता हूँ, ये बिल्कुल छोटा सा है। ठीक है, जबरदस्त, हमें असाइनमेंट मिली थी, उसमें कुछ यूं सा था, ये स्टाइल था कुछ, ये थोड़ा सा बड़ा था इसमें, इस तरह करके ना, बहुत ही पराया स्टाइल बना हुआ था।
प्यारा, वो शायद अबू बकर लेके आता था रजिस्टर एक घर से, उस पर बना हुआ था, तो अबू बकर ने पूछा था उस्ताद जी से, उस्ताद जी ने ये बताया था। ठीक है, शायद अगर मिल गया तो वो ठीक। आगे चलते हैं हम। जी जी जी, किस किस टूल के साथ? नाइफ टूल के साथ। ठीक है, रेजर टूल से। जी वही ना, उसमें दो मैं, हाँ ठीक है जबरदस्त, उसमें अलग अलग कलर हो सकते हैं, वो तो डिजाइन में इस्तेमाल ही बहुत ज्यादा होगा। देखना कहाँ गया, कंट्रोल शिफ्ट जेड से आगे जाएगा। ठीक है, रीडू जिसे कहते हैं, अंडू जाएगा कंट्रोल जेड से। ठीक है भाई, कह रहे हैं जो हमने नाइफ टूल से हमने जो काटा था किसी ऑब्जेक्ट को, उसमें दो कलर यूज हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? ये देखें, यही कह रहे थे, मिल गया जवाब। ग्रुप कर दो, ये दो बने हैं ना जी, दो बने के साथ जी, और लेकिन में एक ही रहेगा जी, एक ही रहेगा, इसमें दोनों में यही फर्क है ना सर जी। ये देखें, इसको भी मैं यही काटता हूँ, ग्रुप कर देंगे इनके अलग अलग कलर कर दें। ये देखें, अब ग्रुप कर, बन रहा है ना स्टाइल एक, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, जब इस्तेमाल करेंगे ना आपको असाइनमेंट मिलेगी, उसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा भाई इसकी क्या कीमत। ठीक है, उसके बाद है हमारी टूल, ये हम अप्लाई कर रहे थे। ये देखिए, मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ ना, करने के बाद जब इसको मैं छोटा बड़ा करता हूँ, ये देखिए सिर्फ एक साइड से होता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ चारों तरफ से बिल्कुल सेम लाइक बड़ा हो, तो हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, शिफ्ट का बटन प्रेस करने से चारों तरफ से इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आई? यही बहुत ज्यादा यूज होगा शिफ्ट के बटन प्रेस करने से। ठीक है, उसके बाद हमारी टूल है अरेजर भी हो गई, अगेन समग बुरश। ठीक है, ये क्या काम करते हैं देखते हैं, ये बॉर्डर पे अप्लाई होगा। ठीक है, किस पे अप्लाई होगा? बॉर्डर पे। ये देखना, मैं इसके बॉर्डर पे जाता हूँ, कोई भी स्टाइल बना सकता हूँ बॉर्डर पे। ठीक है, नजर आ रहा है? इस तरह कोई भी प्यारा सा स्टाइल बना सकते हैं आप। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको रेजर से रिमूव कर दो, ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसका काम है सिर्फ बॉर्डर पे अप्लाई होना, सिर्फ जस्ट इसका इतना ही काम है, लेकिन इतनी ज़्यादा यूजफुल टूल नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये रोगन बुरश। ठीक है, ये भी बॉर्डर पे अप्लाई होगा, इसका स्टाइल चेंज है, ये बहुत ज़्यादा ही अप्लाई होती है। ठीक है, ये देखना, इसका भी साइज छोटा है, मैं साइज यहाँ से बड़ा करता हूँ, 9 कर देता हूँ। करने के बाद ये देखें, जस्ट सिर्फ मैंने देखिए, सबसे पहली मरतबा मैंने ये टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए ये बॉक्स आया। ठीक है, आपके भी आएगा। ठीक है, जस्ट मैंने सिर्फ, मैं हिला नहीं रहा माउस को, सिर्फ मैं लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्लिक करने के बाद लेके जा रहा हूँ, देख खुद ब खुद एक डिजाइन बन रहा है, नजर आ रहा है? नजर आया? हाँ, ये सिर्फ बॉर्डर पे अप्लाई होगी, दोनों समग बुरश और कौन सा रोगन बुरश, रोगन टू, ये दोनों बॉर्डर पे अप्लाई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारे पास फ्री ट्रांसफर टूल, ये पड़ी थी हमने वहां पे भी, इन पेज में भी, ये रोटेट करने के, रोटेट करता है। ठीक है, ये देखना, इसकी जो साथ ग्रिड लाइन भी दी हुई है हेल्प के लिए। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ इसको मैच करना हो। ठीक है, ये देखें, ठीक है, इसका भी वही है जो यहाँ पे रख के हम करेंगे, वो इसका सेंटर के हिलाएगा। ठीक है, ये बात सबको आपको क्लियर है इस वक्त। उसके बाद है विचुअल सेगमेंट टूल। ठीक है, सेगमेंट टूल शायद यही नाम है, डिलीट। ठीक है, ये इस टूल पे हम अप्लाई करेंगे, वो ऑब्जेक्ट हमारा डिलीट हो जाएगा वहां से। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हमने कोई पेनाफ्लेक्स बनाया, बहुत ज्यादा उसमें छोटी छोटी चीजें यूज की हैं स्टाइल के लिए, ठीक है, छोटे छोटे रेक्टेंगल, उनमें चाहते हैं हम दरमियान वाला कोई ऐसा रेक्टेंगल है जो उसको डिलीट करना चाहते हैं, वो हो नहीं रहा,
उस जस्ट उसके ऊपर जाके सिलेक्शन ले करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी उसके ऊपर चलेगी ये लाइन समझो वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं सबको करना चाहता हूँ, सबकी सिलेक्शन लूंगा, सब गए, ठीक है, ये डिलीट करने के लिए पता चल गया इसका। यस सर, बस यही टूलें पढ़नी थी, इसको अप्लाई करके देखना है आपने आज। आज सर डिजाइन लिखने का स्टाइल यहाँ पे टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट मार्क ये यहाँ से लिखे होते हैं, ठीक है। बाकी वो साइज है इसका, छोटा बड़ा कर लो, नजर आ रहा है। एक ने पूछा था उर्दू कैसे आती है, ठीक है। उर्दू सबसे पहले हम जो इन पेज ओपन करेंगे, एक बात छोटी सी पॉइंट है ये इस्तेमाल करें, ठीक है। मैं जब घर में था ना, जब मैं नहीं पढ़ा था कॉरल ड्रॉ तो ना इन पेज, उस वक्त मैं तकरीबन 2-3 माह लगा रहा, मुझसे इन पेज से कॉरल में उर्दू नहीं आई थी मेरे, क्यों, इसमें छोटी सी एक मिस्टेक है कि पहले इन पेज खोलना है बाद में कॉरल खोलना है, बस यही है। मैं पहले कॉरल खोलता था बाद में इन पेज खोल के उसमें टेक्स्ट कॉपी करता था, नहीं आता था, ठीक है। हाँ, कॉरल को बंद करना है, करने के बाद इन पेज पहले खोल लें, खोलने के बाद टेक्स्ट जैसे मर्जी लिख लें, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो पहले इन पेज की रन होनी चाहिए, उसके बाद कॉरल की रन होनी चाहिए, ठीक है। लिखना तो इन पेज में ना उर्दू लाने के लिए, उर्दू वाले बहुत बैठे हैं इसलिए इन पेज का बताना पड़ेगा। इन पेज कहाँ गया, कितने खड़ा सा कितना तो नहीं हो गया, हो गया इन पेज कितने ऊपर ऊपर इन पेज टू देखिए। आप भी अपने कंप्यूटर में ना ये जो चीज़ें रखते हैं ना आपको, बड़े अच्छे तरीके आसान तरीके से रखा करो, ठीक है ना, कोई चीज़ बहुत जल्दी तलाश हो सके। देखें मैंने ये फोल्डर बनाया हुआ नज़र आ रहे हैं आपको, कोरल का लहदा बनाया, कोरल के अंदर मैंने कंप्लीट फाइल रखी है, पिक्चर फोल्डर रखी है, सोर्स फोल्डर बनाया है, ट्रांसफर डाटा रखा है, यूजिंग ऑल वर्क्स फोटोज रखे, सब आपको मैं दूंगा। इसके अंदर क्या है, मैंने तकरीबन कैप्स मतलब जो चीज़ें यूज़ होगी ना, बुक्स वगैरह ये देखें, सारी चीज़ें मैं इस तरह रखी हुई हैं, ये कुछ नीड भी होगी, कुछ ये रिकवरी हुई है मेरे पास, ये सब आपको दूंगा, ठीक है, कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। इन पेज हमारा ओपन हो गया, ठीक है, ठीक है, ये देख लें कॉरल में कैसे टेक्स्ट जाकर, मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स लगाया ना एक, इसकी सिलेक्शन ली, लेने के बाद सिर्फ मैं यही टेक्स्ट लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक किया कॉपी, कोरल में आया, राइट क्लिक किया पेस्ट, आ गया, बहुत बड़ा है, शिफ्ट F4, पेज के सिलेक्शन ली, लेने के बाद शिफ्ट F4, ये लगा नहीं कीबोर्ड सर, F3, नज़र आ रहा है कितना बड़ा टेक्स्ट आया। इसको हम शिफ्ट पकड़ के छोटा करेंगे, शिफ्ट पकड़ेंगे छोटा कर लेंगे, यहाँ से नज़र आ रहा है टेक्स्ट कैसे आया, जबरदस्त। अगर चाहते हैं जितना साइज मैंने इन पेज में दिया है उतने साइज का ही जो टेक्स्ट है वो हमारा कोरल में आए, तो मैंने उसके लिए पहले ही इन पेज में बता चुका था कि वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ मैंने बताया। EPS के नाम से एक फाइल बनती है, इसको बनानी आती है, ये देखना अभी आपके सामने आएगी। सर EPS कौन सा सॉफ्टवेयर है? EPS एक्सटेंशन है बेटा, मैंने इसे कॉपी किया, करने के बाद सेव, ठीक है,
ये पूरी फाइल बन गई। फाइल में गया, जाके एक्सपोर्ट पेज किया, ब्राउज किया, करने के बाद डेस्कटॉप पे मैंने रखा इसको, इसका नाम रख देता हूँ 1 2 3 go। ठीक है, इसकी यहाँ से मैंने ये चेंज कर दी एक्सटेंशन। करने के बाद देखें इसकी आ गई .eps आ गई। ठीक है, सेव किया, डेस्कटॉप पे जा रहे हैं, देखें यस ओके। डेस्कटॉप पे देखते हैं हम, फाइल बन चुकी है, ये देखें बन चुकी है। ठीक है, इसको ओपन करूँगा, इसमें कंट्रोल ओ ओपन eps ओपन। देखें साइज़ कितना देना, बस यही छोड़ लें, ये देखें उतनी साइज़ का ये टेक्स्ट हमारा पूरा पैराग्राफ की शक्ल में आया हुआ नज़र आ रहा है आपको। ग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है। टेक्स्ट उर्दू का टेक्स्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे स्टाइल में लेके आते हैं, ये भी देखेंगे। सिर्फ इतना ही बताना था टेक्स्ट कैसे इम्पोर्ट होते हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कल लेसन होगा, ठीक है ओके। बाकी प्रैक्टिस कर लेंगे।